सेना से खिलाड़ी और खिलाड़ी से राजनीति का सफर तय करने वाले कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हमारे साथ हैं। उन्हें झोटवाड़ा से भाजपा ने उम्मीदवार बनाया, उनसे बात करते हैं। सर, इस बार नई जिम्मेदारी, नया काम होगा? जिम्मेदारी का ज्योग्राफिक एरिया थोड़ा छोटा करा है, लेकिन जिम्मेदारी और बड़ी हो गई है। बड़ी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत फोकस्ड जिम्मेदारी है, और वो भी एक ऐसे क्षेत्र की है जो अपने पूरे राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी विधानसभा है। और मैं तो ये कहता हूं कि राजस्थान के जो सब एस्पिरेशनल लोग हैं, जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो जब जयपुर राजधानी की तरफ आते हैं तो यहीं बसते हैं। अब देखिए, ये लोग शहर के बीच में तो जा नहीं सकते, जमीने का भाव इतना महंगा है, तो सब यहीं बसते हैं। मुश्किल सीट नहीं होगी, बहुत आसान सीट है आपको नहीं दी गई, जिस तरह से दिया कुमारी को एक सेफ सीट उतारा गया, जिस तरह की चर्चा चल रही है। यहाँ पे नाराजगी भी है, राजपाल सिंह शेखावत खुद विरोध जता चुके, उनके समर्थक विरोध जता रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि मुश्किल सीट पर आपको उम्मीदवार बनाए? ये तो मेरा और भी बड़ा सौभाग्य है कि अगर मुश्किल सीट प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरे को दी है। बाहरी से तो आप लड़ लेंगे नहीं, अपनों का क्या करेंगे? कल से विरोध शुरू हो गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक ऐसी पार्टी है जिसमें हर साधारण कार्यकर्ता को एक जिम्मेदारी मिल सकती है, और ये रोटेशन में चलती रहती है। दूसरी बात, ये एक ऐसी पार्टी है जहां रिपोर्ट कार्ड की राजनीति होती है, वंशवाद की नहीं, कि आपका नाम एक बार चल रहा है तो ऐसा नहीं। तीसरी बात, ये साधारण बात है, हम सब आखिर मनुष्य हैं, तो ये साधारण बात है कि सबकी अपना कोई ना कोई लक्ष्य, कोई ना कोई उम्मीद होती है। सर, कुछ दिन पहले आपने कहा था कि आप चुनाव लड़ने नहीं, चुनाव लड़ाने आए हैं, आप लोगों को चुनाव, लेकिन अचानक टिकट मिल गया, क्या आपको पता था इस बारे में? और ये भी चर्चाएं हैं कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते थे। देखिए, लड़वाने की जहां तक बात है वो तो अभी भी सच है, चुनाव लड़वाने की जिम्मेदारी तो अभी भी मेरी है, मैं भी अभी भी उस कमेटी में हूं। और जैसे मैंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच वहां से शुरू होती है जहां हम जैसों की सोच खत्म हो जाती है, तो बहुत कुछ सोचा होगा और राजस्थान के लिए बहुत अच्छा सोचा हुआ होगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने। जिम्मेदारी तय करना टीम के कप्तान की जिम्मेदारी होती है, मेरी जिम्मेदारी क्या हो ये मेरे टीम के कप्तान की जिम्मेदारी है, और मुझे पिछले 9 साल में 9.5 साल में जो जिम्मेदारी दी गई, चाहे वो कम हो या ज्यादा, ये दूसरे लोग आकलन कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए तो हर जिम्मेदारी बड़ी जिम्मेदारी थी। तो आज भी उन्होंने जो जिम्मेदारी दी है मेरे लिए बड़ी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे झोटवाड़ा जैसी विधानसभा का नेतृत्व करने का एक अवसर मिल रहा है। एक अंतिम सवाल, क्या राज्यवर्धन सिंह राठौड़ झोटवाड़ा विधानसभा की सीट से सूबे की सबसे बड़ी सीट का सफर तय कर पाएंगे? क्या आप सोचते हैं ऐसा कि ये जिम्मेदारी भी आपके लिए सोच कर रखी गई है? यही जो प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर देते देते राजस्थान का बेड़ा गर्क कर दिया कांग्रेस की सरकार में। दो जने, दोनों को बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां मिली, उसके बावजूद भी चेहरे की लड़ाई ने और सत्ता पाने की, मतलब सत्ता होने के बावजूद भी उनका मन संतुष्ट नहीं हुआ। मैंने जैसे आपको पहले कहा कि अगर क्रिकेट की टीम के अंदर मुझे मेरा कप्तान कहता है कि आपको कवर्स में खड़ा होना है, तो मैं कवर्स में खड़ा होऊंगा, और वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा टीम को जिताने के लिए। तो ये कांग्रेस नहीं है जहां लड़ाई होगी कि मैं बैटिंग करूंगा, मैं ही बैटिंग करूंगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप थे कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जिन्हें झोटवाड़ा सीट से प्रत्याशी बीजेपी ने बनाया। उनका कहना है कि जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है उसे बखूबी निभाएंगे। सचिन कुमार शर्मा, दैनिक भास्कर, जयपुर।